हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स है जो कि ब्रेकआउट की कगार पे खड़े हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो कि आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन पे लगा लीजिए। और यहाँ पर जितनी वीडियोज है उन्हें जाके देखिए, लाइक करें, कमेंट करो, सीखिए सीखिए सीखेंगे जितना उतना आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, इंडिया मार्ट शेयर जो काफी दिन से यहाँ पर गिरता जा रहा है, कंटिन्यूस आज भी गिरा है, तो क्या हमें इसे बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बाई करना चाहिए तो किस तरीके से, किस लेवल पे बाई करना चाहिए, प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए। एज वेल एज अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो ये पर्टिकुलर नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जाके वीडियोस को जाके देखिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड एक एक करके यहाँ पर बातें करते हैं। तो हम जिस स्टॉक से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पर बातें कर रहे हैं उसका नाम हम जान लेते हैं, उसका नाम है एपटेक। एपटेक की अगर हम बात करें, ब्रेकआउट स्टॉक से सारे के सारे यहाँ पर ब्रेकआउट की बड़ी उम्मीद है और ये शेयर यहाँ पर अच्छे खासे ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट इन द सेंस अच्छे खासे तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस लेवल को, ओके तो आज की डेट में इसने क्रॉस करने की भी कोशिश करी बट यहाँ पर ये थोड़ा फेल होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर जो इसके प्रीवियस यहाँ पर जो इसके सपोर्ट थे वहीं पर ही जाके यहाँ पर रुकता हुआ नजर आया। अगर कल ये इस लेवल को है, इस लेवल को निकालता है 410 415 के लेवल को जो इसने आज कल बनाया था हाई, ओके 413 रुपए का, अगर ये इसे निकालता है तो याद रखिएगा इसमें एक बेहतरीन बड़ी रैली होती हुई नजर आएगी जो कि इस शेयर को लगभग लगभग 450 से 500 रुपए की तरफ लेते हुए जा सकती है, जो कि एक बेहतरीन अगर बात करें 10 से 15 से 20% तक का यहाँ पर गेन आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं, तो 10 से 20% तक के यहाँ पर गेन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ एपटेक, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें एनआईटी के पीछे ही पीछे ये स्टॉक चलता है, जैसे जैसे एनआईटी चलता है ये भी चलता है, तो एनआईटी में भी यहाँ पर अगर हम बात करें एक ब्रेकआउट स्टॉक्स बना हुआ है तो दूसरा स्टॉक्स एनआईटी ही है। इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है और शेयर यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है तो इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा, स्टॉप लॉस लगा के सारे पे काम करने हैं। ये हमारा हमेशा स्विंग ट्रेड रहता है, हम नीचे के खरीद के ऊपर बेचते हैं, बट अगर हम यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट को भी प्ले करने का तरीका होता है, अगर यहाँ पर इसे आप प्ले करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 470 रुपए का जरूर लगा के यहाँ पर चलिएगा, 470 का पहला। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ही आता है 428 रुपए का, बट यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शायद कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सकती है, उस गिरावट में इसको फायदा का उठाइएगा और फिर स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करिएगा। और जो भी स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी कोशिश ना करें और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली दोबारा होती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी नजरें बनाइएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल की अगर हम बात करें, ये भी ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है, इस स्टॉक्स में भी एक बेहतरीन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ओके, जो कि इसे एक बेहतरीन लेवल पर ले जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसमें एक ब्रेकआउट होता है तो ये शेयर एक अच्छे खासे लेवल पर भागता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इतने परसेंट की यहाँ पर एक रैली होती हुई दिखाई देगी, जो यहाँ पर अगर हम बात करें 17% तक की रैली इसमें होती हुई दिखाई देगी, 14% लगभग 500 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर देखिए आज इसने कोशिश करी थी, ओके कोशिश यहाँ पर दोबारा नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट जाओ इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसी सपोर्ट को लिया, और अगर ये स्टॉक्स यहाँ पर 440 जो इसका हाई है कल की डेट में अगर निकालता है तो याद रखिएगा इस शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा, और जो कि कुछ दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस लेवल को ये क्रॉस करते हुए यहाँ पर 500 तक के लेवल को ये क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये शेयर इसी तरीके से है, जब चलता है तो बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न देते हुए दिखाई देता है। तो ग्रीन पैनल इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। दीपक नाइट्राइट में भी एक बेहतरीन यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो इसने आज की डेट में 2496 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि अगर हम बात करें अगर ये शेयर 2400 और 2500 का ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि यहाँ पर इसे 2800 से लेके 2900 रुपए के तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन होकर ये शेयर ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरा एक राउंडिंग बॉटम बना के शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आपको प्ले करना है तो इसी तरीके से प्ले करना है, और अगर यहाँ पर गिरावट होती है फिर एक
छोटी मोटी गिरावट यहाँ पर हो सकती है, तो स्टॉप लॉस भी लगा के काम करना है। तो इस चीज को याद रखिएगा, स्टॉप लॉस 2366 रुपए के आसपास के यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस। और इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड इसे ही कहते हैं, और इसी तरीके से ब्रेकआउट को भी प्ले किया जाता है। हम ब्रेकआउट को प्ले नहीं करते, ओके, मोस्टली हम स्विंग ट्रेड करते हैं। तो हमने ये शेयर ऑलरेडी नीचे के लेवल पर हमने ले रखा है, ऊपर जाएगा बेचते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से हमें आपको आपको ही प्ले करना है। इसके अलावा बार बार मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक से रिलेटेड बताता आ रहा हूँ, 350 रुपए से बताता आ रहा हूँ, 222 रुपए से बताता आ रहा हूँ, मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर भी ये शेयर अब दोबारा राउंडिंग बॉटम बना के, ओके, यहाँ पर हमने देखा था कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बनाया था, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग लगभग 480 रुपए के तक ये शेयर इसे लेता हुआ दिखाई देगा। आज की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं, कल की डेट में एक छोटी सी गिरावट हुई, यहाँ पर इसने एक इनसाइड बार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये अगर कल की डेट में यहाँ से निकलता है, 431 का जो इसका लेवल है जो इसने कल की डेट में बनाया था, 431 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिएगा इसे यहाँ तक जाना ही जाना है, 480 रुपए तक। थोड़ा सा घूम रेस्ट करके, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, या फिर एक साथ ऊपर जाएगा, बट ये ऊपर जाना है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ब्रेकआउट, बेहतरीन ब्रेकआउट पे ये शेयर खड़ा हुआ है, कभी भी ये शेयर ऊपर की तरफ जाके एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा एक और शेयर की बात करूंगा, ओके, जो कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि आज की डेट में ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया, सॉरी यहाँ पर निकाल देते हैं, जुबिलेंट इंडस्ट्री, इस शेयर की तरफ भी नजरें बना के रखिए। आज अच्छा खासा ये 10% तक भागा, उसके बाद ये करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर ये शेयर आपको गिरता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर अगर ये 500 से 550 के बीच में आपको मिलता है, इस शेयर को ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि ये शेयर काफी बेहतरीन है, और थोड़ा सा टाइम देंगे तो उसके बाद ये शेयर लगभग लगभग आपको बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ये शेयर पर मैं काफी दिन से निगाह बनाए हुए हूँ, बेहतरीन चलता है, जब भी चलता है 20-20% यहाँ भागता हुआ दिखाई देता है। परसों की डेट में 20%, कल 20% भागा था, आज 10% भागा, उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से इसकी चाल है, अगर ये शेयर नीचे आता है किसी भी रीजन से, तो याद रखिएगा ये शेयर एक बेहतरीन शेयर है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आता है। तो ये पर्टिकुलर शेयर है एपटेक, एज वेल एज ग्रीन पैनल, NIIT, दीपक नाइट्रेट, मैक्स हेल्थ केयर, और यहाँ पर ये जुबिलेंट इंडस्ट्री, ये इन शेयरों की तरफ नजरें बनाइए। ये शेयर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, बट ये शेयर आपको रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। अगर स्टॉप ब्रेकआउट नहीं भी प्ले करना, तो शांति बना के रखिए, जब भी नीचे आए ये शेयर इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, सूनर और लेटर ये ब्रेकआउट जरूर देंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा कि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।